सानवी किडनैपिंग केस के मुख्य आरोपी दीपक के पिता राजकुमार बुधवार को संदेह भरी हालत में लापता हो गए। राजकुमार की बाइक, चप्पले व मोबाइल फोन संगरूर रोड स्थित भाखड़ा नहर के किनारे शाम को करीब 4 बजे मिले। सामान बरामद होने के बाद पसियाना पुलिस ने छानबीन कर राजकुमार की पहचान कर उसके घर वालों को सूचित कर दिया। राजकुमार के भाई राजपाल ने मौके पर पहुंचकर इन सामान की पहचान की, जिसके बाद 2 नंबर डिवीजन पुलिस को इस घटना के बारे में सूचित कर दिया गया। घटना स्थल से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसे पसियाना थाना इंचार्ज गुरदीप सिंह ने कब्जे में ले लिया। सर सानू तो ना साढ़े चाचा जी हैं, 2 बजे से गैप हो लभते फिर रहे थी, सानू उधर फोन आया भी मोटरसाइकिल तो मोबाइल उरे हैगा, तो असं उरे आए जब तुरंत पैर पुलिस ने उन्होंने कवर किया मोटरसाइकिल तो मोबाइल मिलया, तो वो एक कोई कागज़ लिखा थी वह मिले जी, वह सारा कुछ पुलिस को लिया जी, तो पुलिस ने अपने वो अंडर च कर लिया। डिप्रैशन से जी 2-4 दिनों तो जी। SSP गुरमीत सिंह चौहान ने कहा कि सुसाइड लेटर तो मिला है, लेकिन अभी इसकी पड़ताल चल रही है। फिलहाल लेटर का विषय क्लियर नहीं है, डेड बॉडी की तलाश की जा रही है। बॉडी मिलने के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा। पटियाला से हजार TV न्यूज़ के लिए बलजीत सरना के साथ वरिंदर सैनी की रिपोर्ट।